लगे थे। गांव वाले नए दो टॉयलेट्स बनने से बहुत खुश थे, खास तौर से गांव की औरतें। एक दिन रेखा और सुषमा टॉयलेट के पास बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे बहन, ये नया टॉयलेट बनने से हम बहुत खुश हैं। जब देखो पेट पकड़कर बाहर जाना पड़ता था। रेखा की बात सुनकर सुषमा बोलती है, सही कहती हो बहन, सचमुच हम भी तो परेशान ही हो गए थे। एक तो मुझे रोज आधी रात को टॉयलेट जरूर आता। कुछ दिनों में दोनों टॉयलेट शुरू हो जाते हैं और गांव के लोग दोनों टॉयलेट का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता और कुछ दिनों में वो गंदे होने शुरू हो जाते हैं और एक टॉयलेट बंद करना पड़ जाता है। एक दिन सुबह के समय गांव वाले टॉयलेट के बाहर खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी दिनेश अपना पेट पकड़ कर आता है। अरे मर गया रे, अरे भाइयों भाइयों मुझे पहले जाने दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर मैं पहले टॉयलेट नहीं गया तो यही गड़बड़ हो जाएगी। दिनेश बिना लाइन के टॉयलेट में जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे रोक देते हैं। भीमा पहलवान दिनेश को बोलता है, अरे कहाँ जा रहा है तू, तुझे पता नहीं लाइन लगी है, चल खड़ा रह। भीमा की बात सुनकर दिनेश डर जाता है और पेट पकड़ कर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद लोगों को बदबू आनी शुरू होती है, लोग दिनेश की तरफ घूरने लगते हैं। ये देख दिनेश बोलता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने तो पहले ही कहा था कि मत रोको मुझे, अब हो गई ना गड़बड़, मेरी तो यही निकल पड़ी। बड़ा ही गंदा आदमी है तू, हैं? चल जा अंदर जाकर साफ कर ले अपने आप को, टॉयलेट पर कंट्रोल नहीं कर सकता। भीमा भैया मेरी क्या गलती है, कल मैंने काठी रोल खाए थे जिसकी वजह से पेट गड़बड़ हो गया मेरा, और टॉयलेट भी तो एक ही है। फिर कुछ दिन बाद एक रात चुड़ैलों की टोली सुंदर नगर से गुजर रही होती है। सुंदर नगर की सुंदरता देखकर चुड़ैलों की टोली वहीं रुकने का मन बना लेती है और चुड़ैलों की टोली में से काली चुड़ैल बोलती है, कितना सुंदर गांव है ये, चुड़ैलो अगर मेरी बात मानो तो हम कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। काली चुड़ैल की बात सुनकर मोटी चुड़ैल बोलती है, सही कह रही हो काली चुड़ैल, मैं भी यही बोलने वाली थी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तभी चुड़ैलों को वो दोनों टॉयलेट दिखते हैं, एक टॉयलेट बंद होता है और एक टॉयलेट के आगे भीड़ लगी होती है। चुड़ैले खाली टॉयलेट के अंदर रहने लग जाती है। अगली सुबह फिर से गांव वाले टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, तभी टिल्लू नाम का एक गांव वाला पेट पकड़ कर वहां आता है। अरे ओ गांव वालों, तनिक तनिक खबरें लिए रुकना ना, अरे मुझे बहुत जोरों से लगी है। अरे कुछ नहीं है तुझे, जब देखो झूठ बोलकर आगे घुस जाता है। हाँ, ऐसा क्या कुछ नहीं है, अरे मुझे बहुत जोरों से आई है, तुम्हें आकर्षक है तो चलो चलो मेरे साथ और देख लो। टिल्लू की बात सुनकर भीमा गुस्से में आ जाता है। तब तक वहाँ गांव के सरपंच भी आ जाते हैं और दोनों को अलग करते हुए बोलते हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है, इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो, चलो हटो। सरपंच जी, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, अब आप देखो ना, एक ही टॉयलेट में कितने लोग जाएंगे, आप कुछ करके दूसरा टॉयलेट भी ठीक और साफ करवा दो। हाँ। सरपंच जी टॉयलेट साफ करवाने का वादा करके वहाँ से चले जाते हैं और रात के समय मुन्ना और टोनी नाम के दो सफाई कर्मचारियों को टॉयलेट साफ करने के लिए भेजते हैं। यार टोनी, अपनी भी क्या जिंदगी है, दुनिया सो रही है और हम यहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं। कहा तो सही रहा हो भैया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, चलो चल कर टॉयलेट को साफ करें। ऐसा कहकर टोनी बंद टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने चुड़ैले खड़ी होती हैं। आओ टोनी और मुन्ना, हमें तुम्हारा ही इंतजार था, आओ कई दिनों से भूखे हैं हम। टोनी और मुन्ना धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। मुन्ना और टोनी की हालत देखकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हमें तो बाहर आना ही था मुन्ना, कई दिनों से हम इस टॉयलेट में बैठी थी, अब हमें भूख लगने लगी है। फिर चुड़ैलों की टोली मुन्ना और टोनी को मारकर उनकी लाश को खा जाती है और फिर लाश को टॉयलेट में रख देती है।
अगली सुबह दूसरे टॉयलेट का दरवाजा बंद देखकर सरपंच ही बोलते हैं, ये मुन्ना और टोनी दोनों पक्के शराबी हैं। कल एक छोटा सा काम बोला, वो भी नहीं किया। लगता है किसी और को बुलाना पड़ेगा। फिर सरपंच रॉकी नाम के दूसरे सफाई कर्मचारी को लेकर आता है और बोलता है, रॉकी आज ये टॉयलेट साफ करना है, क्योंकि जब से ये बंद हुआ है तब से गांव के लोग भीड़ की वजह से आपस में लड़े जा रहे हैं। आप चिंता ना करें सरपंच जी, मैं अभी साफ कर देता हूँ टॉयलेट्स को, ताकि गांव वाले आपस में ना लड़े। ऐसा कहकर रॉकी टॉयलेट का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। रॉकी का चिल्लाना सुनकर सरपंच गुस्से में बोलता है, अरे पागल है क्या, क्या भूत भूत चिल्ला रहा है? कौन सा भूत है यहाँ? जब देखो नौटंकी नौटंकी नौटंकी। लेकिन जैसे ही सरपंच उन दोनों कंकालों को देखता है वो भी घबरा जाता है। तब तक रॉकी का चिल्लाना सुनकर बाकी के गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। भीमा पहलवान रॉकी से बोलता है, क्या हुआ रॉकी, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा कहकर भीमा भी टॉयलेट के अंदर झांकता है और बेहोश हो जाता है। अंदर चुड़ैलों का झुंड कंकालों की हड्डियां खा रहा होता है। दिनेश बोलता है, सरपंच जी इससे पहले ये चुड़ैलें यहाँ से बाहर निकले, हमें इस टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देना चाहिए। फिर दिनेश और सरपंच जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देते हैं। चुड़ैल टॉयलेट के अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, अभी तो बंद कर रहे हो सरपंच, लेकिन अगर मैं बाहर आ गई तो मैं और मेरी टोली तुम्हारे पूरे गांव को खा जाएंगे। फिर सरपंच और गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रास्ते में सरपंच गांव वालों से कहता है, देखो भाइयों, आज रात इस टॉयलेट में कोई नहीं जाएगा, मैं अभी यहां से जा रहा हूं और कल तक इस समस्या का कोई हल लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच ही वहाँ से चले जाते हैं और कोई गांव वाला भी डर कर टॉयलेट में नहीं जाता। लेकिन रात में बंसी नाम का एक शराबी वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक औरत की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। ये इतनी प्यारी और सुरीली आवाज किस औरत की है जो मुझे बुला रही है? तभी उसकी नजर टॉयलेट पर पड़ती है और वो टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा कहकर बंसी टॉयलेट के पास जाकर टॉयलेट का दरवाजा खोल देता है। अंदर से चुड़ैल और उसकी टोली बाहर निकल जाती है। उन सबको देखकर बंसी बोलता है, अरे मर गया रे, मैंने तो सोचा था कोई हीरोइन टाइप की औरत निकलेगी, लेकिन ये क्या, ये तो चुड़ैलें निकल रही हैं टॉयलेट से, आज तो मैं गया। ऐसा कहकर बंसी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैलें उसे मारकर खा जाती हैं। और फिर काली चुड़ैल बोलती है, इस सरपंच के बच्चे ने हमें इस टॉयलेट में बंद किया था ना, पहले इसे ही मारेंगे फिर किसी और गांव वाले को, चलो सरपंच को मिलकर ढूंढे। लेकिन सरपंच के गांव में न होने की वजह से वो उन्हें नहीं मिलता। उधर अगली सुबह सरपंच भी एक बाबा के साथ गांव के अंदर आता है। चुड़ैल गांव के रास्ते पर ही बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। सरपंच को देखकर काली चुड़ैल बोलती है, तू आ गया सरपंच, तेरे आने का तो हम कब से इंतजार कर रहे थे, और ये कौन है जोकर तेरे साथ? ये बचाएगा तुझे हमारी टोली से। काली चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच बोलता है, चुड़ैल तू अपनी मर्जी से इस गांव में आई थी, हमने नहीं बुलाया था समझी, और रही बाबा की बात, ये तुझे तेरी औकात अभी बता देंगे। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो बाबा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल बाबा को छूती है जलने लग जाती है। अरे बाबा, हम तो ये गंदा टॉयलेट देख कर रुके थे, अगर ये गंदा ना होता तो हम आगे चले जाते, बस इसे साफ रखना।